मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रखी, जिस कारण कर्मचारियों ने कामकाज पूर्णतः ठप रखा। बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान मांगे नहीं माने जाने पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सरकार को चेताया है और कहा है कि आने वाले चुनावों में हिसाब चुकता किया जाएगा। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी को 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन करना, बीएसएनएल के भूमि प्रबंधन नीति को मंजूरी देना, वेतन संशोधन समिति का क्रियान्वयन करना और पेंशन अंशदान का समायोजन करना मुख्य मांग बताया है। इस अवसर पर कर्मचारियों ने पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संगठन के संयोजक कर्म सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी तक हड़ताल के तीसरे दिन होने पर भी बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया है और इसके कारण कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी तो बीएसएनएल कर्मचारी भी लोकसभा चुनावों में सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार बीएसएनएल के कर्मियों को नहीं, तमाम पीएससी को एक गोल गोल रूप में घुमाने का प्रयत्न कर रही है, तो मैं आज आपके चैनल से भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि आने वाले लोकसभा के अंदर ये तमाम पीएससी के कर्मचारी इस भारत सरकार को भी जिस तरह हमारे को गोल गोल घुमाने का प्रयत्न कर रही है, इस तरह हम गोल गोल घुमाएंगे। जैसे हमारे साथी ने बताया कि हमारी जो डिमांड है ये काफ़ी समय से चल रही है, हम काफ़ी समय से इसके लिए संघर्षरत हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमारी जो बिल्कुल जायज डिमांड है इनको भारत सरकार जो पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए आज हम दूसरे दिन हड़ताल है। कल से ये हमारी 18/2/2019 से लेके 20/2019 तक हड़ताल का हमने नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये सरकार नहीं जागती है तो जो भी हमारे राइट्स हैं, यूनियन के राइट्स हैं, उनका तमाम राइट्स का उपयोग करेंगे। वहीं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश धीमान ने कहा कि बार बार हड़ताल करने के बाद भी केंद्र सरकार गौर नहीं कर रही है, जिस कारण कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा बीएसएनएल को पीछे छोड़कर बाकी मोबाइल कंपनी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः ही गलत है। ये हमारी देशव्यापी हड़ताल 18 तारीख से 20 तारीख तक पूरे देश भर में हो रही है। इसमें हमारी लगभग 10-12 करीब हमारी मांगे हैं, उसमें से मेन आज हम बीएसएनएल पिछड़ रहे हैं। हमें भारत सरकार 4G का जो स्पेक्ट्रम है 4G उसको अलॉट नहीं कर रही है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया जाए और जिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को भारत सरकार बीएसएनएल को पीछे छोड़कर उनको प्रोत्साहन दे रही है, जैसे जियो है, जियो को बुलंदियों पे ले जा रही है,